नक्सलियों की सजा का नया तरीका, चार को लटकाया फांसी पर। गया में नक्सलियों ने चार लोगों को फांसी पर लटकाया, घर को बम से उड़ाया। पुलिस अर्धसैनिक बल नक्सलियों की तलाश में जुटी। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने 17 मार्च 2021 को पुलिस अर्धसैनिक बल के द्वारा मारे गए चार नक्सलियों का बदला ले लिया है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के हथियारबंद नक्सलियों ने मुखबिरी के आरोप में शनिवार की रात चार लोगों को फांसी पर लटका कर मार डाला। इनमें दो दंपति थे। इसके पूर्व नक्सलियों ने इनके घर में लूटपाट कर घर को लूटने के बाद ब्लास्ट करके उड़ा दिया। पुलिस और अर्धसैनिक बल नक्सलियों की तलाश में अभियान शुरू किया है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने घटनास्थल पर एक पर्चा भी छोड़ा है। पर्चे में लिखा गया है कि 17 मार्च 2021 की पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कार्रवाई में मारे गए चार नक्सलियों की मौत का ये बदला है। इस कार्रवाई में 205 कोबरा बटालियन और गया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में चार नक्सली कमांडर मारे गए थे और इनमें 3 AK-47, 1 इंसास राइफल और भारी मात्रा में गोली बरामद हुई थी। शनिवार की रात नक्सलियों ने 2 महिला समेत उनके पतियों को फांसी पर लटकाकर मार डाला। रविवार सुबह इसकी जानकारी मिलने पर SSP आदित्य कुमार के नेतृत्व में नक्सलियों की तलाश में कोबरा, CRPF और गया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई शुरू की गई है। घटना के संबंध में प्रदेश के अपर महानिदेशक विधि व्यवस्था विनय कुमार ने बताया कि सीमावर्ती झारखंड के जिलों में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे तलाशी अभियान में झारखंड पुलिस के साथ बिहार पुलिस भी शामिल है। उन्होंने ये बताया कि इलाके में प्रस्तावित पंचायत चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ की गई है। इसके लिए गया और औरंगाबाद समेत झारखंड के सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षक और रेंज IG DIG को निर्देश दे दिया गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।